देखिए सुबह सुबह का समय है, एकदम ठंडा एकदम लग रहा है, लेकिन आज हम लोग जा रहे हैं सोनपत मंदिर। तो चलिए आपको डायरेक्ट आपको गया जंक्शन से मिलते हैं। अभी देखिए जहाँ नवासकोट के अंदर हम लोग हैं, घर से निकल के हैं। चलिए चलिए। तो हेलो गाइस, देख सकते हैं आप, हम लोग गया जंक्शन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने दोनों को ही देखिए, यहाँ से हम जस्ट हम लोग जाएंगे बाहर, यहाँ से टेम्पू बैठेंगे और टेम्पू से बैठ के डायरेक्ट एकदम चल जाएंगे एकदम विष्णुपद मंदिर। चलिए आगे दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग अभी टेम्पू में हैं और यहाँ से अगर विष्णुपद मंदिर की दूरी की बात की जाए तो लगभग 4 किलोमीटर है और पर पर्सन यहाँ पर 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा है। अगर मंदिर की निर्माण की बात करें तो कब बनाया गया इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन 1787 ईस्वी में इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। मंदिर के ऊपर एक झंडा है, वो 50 किलो सोना का है, जिसे एक भक्त गयापाल पांडा बाल गोविंद सेन ने मुनि की दान किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं होलकर महारानी अहिल्याबाई चौक के पास हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ से जस्ट मंदिर पास ही में है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यही विष्णुपद मंदिर है। और विष्णुपद मंदिर जो है वो फल्गु नदी के तट पर स्थित है और ये जैसा कि आप देख सकते हैं ये मंदिर का ये गेट है और यहाँ आप देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पर मंदिर की मंदिर का व्यू है। यहाँ पर जस्ट हम लोग सबसे पहले मंदिर में ना जा करके सबसे पहले जाएंगे मुक्ति धाम द्वार। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है मोक्ष धाम द्वार, और जस्ट इसके पास में एक छोटा सा मंदिर है। पहले यहाँ पर ज़्यादा कुछ निर्माण नहीं हुआ था लेकिन अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर बन गया है एकदम। हमको तो लगा कि हम एकदम विदेश जम चलाए हैं, लेकिन फिर यहाँ पर देखिए लास्ट को यहाँ पर दहन करने के लिए 500 रुपये शुल्क लगता है। यहाँ पर जय बाबा विष्णु मशाल का जो यहाँ पर मंदिर है, और जब हम पिछली बार गए थे तो सब लगता है कि बहुत साल हो गया है, यहाँ से जस्ट फल्गु नदी नज़र आता था, लेकिन अभी इतना बनिए गया है कि हमको बहुत आगे चलने के बाद फल्गु नदी मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर, छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। और ये जो आप देख रहे हैं यही है फल्गु नदी। फल्गु नदी एक श्रापित नदी है, अब इससे जो विष्णुपद मंदिर है और यहाँ पर इतिहास के बात करें तो इतिहास बताते बताते हमारा 4-5 साल लग जाएगा, बड़ी ज़्यादा बोल दिए ना जी, थोड़ा मनी समय लग ही जाएगा, लेकिन अब 10 मिनट की वीडियो में हम का इतिहास बताएं, तैयो थोड़ा मनी जो है जो आपको व्यू आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकता है आपको बताने की कोशिश जरूर से जरूर करेंगे। ये आप देख सकते हैं यही है फल्गु नदी। फल्गु नदी में पानी उनी नहीं रहता है, लेकिन फिलहाल अभी बिहार सरकार के बदौलत यहाँ पर पानी है। और ये जो आप देख रहे हैं लंबा लंबा पैप, ये कोई पैप नहीं है बल्कि यहाँ पर जो लाश जलता है मशीन से उसी से ऊपर मैंने कि धुआं उमा निकलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुक्ति धाम द्वार है और ये जो आप मशीन देख रहे हैं यही मशीन में आदमी का लाश जलता है। आप देख सकते हैं मशीन जो लाल और सिल्वर कलर में जो मशीन आपको दिखाई दे रहा है यही मशीन है। यहाँ पर देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है जरल जरल नियन है, इसको में आदमी रखा जाता है, ये आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है वो मोक्ष के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आदमी मोक्ष की प्राप्ति करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब करीब यहाँ पर 10 मशीन है और आप देख सकते हैं पास में यहाँ पर लकड़ा लकड़ी भी रखल है और यहाँ पर इन्वर्टर भी है पास में। और यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ आप देखेंगे वहाँ पर पिंडदान होता है और हिंदू धर्म में ऐसा है कि पिंडदान एक बहुत ही पवित्र अनुष्ठान है। अगर हम गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग लोक में जाने वाली आत्मा की शांति के लिए यह अनुष्ठान बहुत ही एकदम जरूरी होता है। अगर हम बात करें इस अनुष्ठान में तो इस अनुष्ठान को करने के लिए पके हुए चावल और काले तिल के साथ मिलाकर बनाया जाता है और फिर मिक्स करके इसको छोटे छोटे गोलों में बना करके पूर्वजों के नाम से चढ़ाया जाता है और जिससे कि जो पूर्वज होते हैं उनको शांति मिलता है, उनको मोक्ष मिलता है। और यहाँ पर पिंडदान करने के बाद यही जो आप फल्गु नदी है बगल में, इसमें लोग स्नान ये सब करते हैं।
यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पिंडदान करने के लिए आते हैं। और मैंने कि ऐसा नहीं है कि यह मंदिर मैंने कि गया कि बिहार में है तो बिहार के लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पूरे भारत से लोग यहाँ पर आते हैं पिंडदान करने के लिए। और यहाँ पर जहाँ भी आपको नज़र जाएगा वहाँ तकला आपको लोग पिंडदान करते हुए दिख जाएंगे। ऐसा देखिए, माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने गयासुर के छाती पर पैर रखा था तो गयासुर ने भोजन की मैंने की मांग की थी कि हमको भोजन चाहिए। तो भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि हर रोज़ कोई ना कोई तुमको भोजन तुमको दे देगा, जो ऐसा करेगा उनको मैंने कि स्वर्ग वर्ग में जगह मिलेगा। तो यही कारण है कि लोग यहाँ पर आते हैं, अपना मैंने कि पूर्वज को अपना पिंडदान करते हैं ताकि उनको आत्मा के अपना शांति उनको मिल सके। यहाँ पर देखिए कि युगल सरकार का मंदिर है और ये जो मंदिर है ये अर्धनागेश्वर जी का मंदिर है, छोटा छोटा थोड़ा सा मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग एट ए टाइम मतलब कि पिंडदान करवा रहे हैं। और ये जो पूजा जो करवा रहे हैं हमको तो नहीं लगता है कि बिहारी हैं, क्योंकि हमको थोड़ा मनी अदर स्टेट से आया मनी की लग रहे हैं। ये आप देख सकते हैं सोमेश्वर महादेव का मंदिर है यहाँ पर, छोटा छोटा मन की फल्गू नदी के तट पर यहाँ पर मंदिर भी है। ये देखिए, हम लोग आगे तो हम लोग घूम चुके हैं, फिर से हम लोग मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये देखिए, यह है गया सिर वेदी पिंडदान स्थल, अब तो पिंडदान उधर होता है फल्गू नदी के तट साइड पर होता है, पहले यहाँ शायद होता था। और यहाँ पर अंदर कुछ भी नहीं था, जहाँ तक बात है तो इस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये। और यहाँ पर हम लोग मंदिर की ओर जा रहे थे, रास्ते में एक और भगवान देख सकते हैं आप। और ये देख सकते हैं ये जो मंदिर का जो मंदिर के पास से ये मेला है थोड़ा बहुत, इसमें आप सामान वगैरह खरीद सकते हैं। आप देख सकते हैं डिजाइन डिजाइन के आपको सामान मिल जाएगा, प्रसादी आप लेकर के जा सकते हैं अंदर। उसके बाद यहाँ पर देखिए छीपा लोटा थरिया गिलास ये सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर, आप खरीद सकते हैं, कुछ खरीद के लेके जा सकते हैं ताकि जितनी आसानी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं निःशुल्क चप्पल रखने की यहाँ पर है, फ्री में आप चप्पल रखिए, पैसा वैसा नहीं भी ले जाइएगा तो फ्री में चप्पल ऊपर चोरी होने का कोई टेंशन आपको नहीं रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर कृपया ये जो मंदिर के सामने है नल, उसके ऊपर यहाँ पर लिखा है जूता चप्पल यहाँ पर नहीं खोलिए, बड़ी सब हरामी रहता खोल देता है सब जनता ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री विष्णुपद वेदी गया धाम जो ये मंदिर है यही है, और ये मुख्य द्वार है। मुख्य द्वार पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे भगवान का जो पिक्चर है वहाँ पर दिया गया है। और ये जो आप देख रहे हैं यही मेन जो विष्णुपद मंदिर है अंदर, इसी यही है। और बाकी बहुत दुख के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर हमको मोबाइल अंदर नहीं लेके जाने दिया, काहे कि मोबाइल अंदर ले जाना सख्त मना था, फोटोग्राफी सब इसीलिए हम लोगों ने मोबाइल घर में जमा कर दिया। आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनावल गया है, दुख दर्द के साथ मोबाइल रखे लगे और हम लोग यहाँ से मोबाइल रख के चल गए यहाँ से। आपको तो मंदिर का अंदर का व्यू नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक कहावत ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि गयासुर नामक एक राक्षस था, बड़ी तपस्या किया था, बड़ी तपस्या किया था, भगवान भी बेचारा टेंशन में आ गए कि अरे बाप रे बाप कौन हमको तपस्या कर रहा है। फिर भगवान आए, बोले काम मांगना चाहता है, तो गयासुर ने बोला कि हमको जो देख ले चाहे छू ले उसको मुक्ति मिल जाए, तो भगवान जी ने उनको वरदान दे दिया। अब फिर धीरे धीरे समय बीत गया था, देख रहे हैं कि जो आदमी जो सौ को पाप कर ले है हजार को पाप कर ले है वह उसको देख ले रहा है तो अपना स्वर्ग में चल जा रहा है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो रहा है। तो भगवान भी टेंशन में आ गए, फिर अरे ये तो एकदम गलती हो रहा है, तो भगवान उसको बहला फुसला करके ज़मीन के अंदर कर दिए और ऊपरे से विष्णु भगवान पैरवा रख दिए। वही पैर के निशान अभी तक हैं और इस पैरों के निशान को धर्मशिला कहा जाता है।
आज का वीडियो यहीं तक था, अगर मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।